ये तो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ यार। जाली और हटा दी तो उधर हजूर के जा रहे हैं अंदर। वही तो उल्टा उन लोग को हमें देना चाहिए कि भाई बालकनी साफ हो रही है रोज। वही तो मर गया मैं बालकनी साफ कर करके। ऐसी हंस के हटा दिया ना उनके बदबू। छी बे ऐसी। दिल्ली में पंखा चल रहा है, कोटद्वार में मुंह नहीं धुआ जा रहा है, इतनी ठंड हो रही है। धुआ नहीं जा रहा है, मुंह नहीं धुल रहा है, मन नहीं कर रहा मतलब मुंह धोने का, इतनी ठंड हो रही है वहाँ पर। मेरी सर्दी अभी से आ चुकी है। करवा चौथ वाली। अच्छा ये सब दिया मम्मी ने। पैसे ही पैसे। श्रृंगार का सामान है और ये मीनू ने करवा चौथ के दिन श्रृंगार करना है और ये सासू माँ की तरफ से आना चाहिए। श्रृंगार करनी तो फिर ऐसे कुछ नहीं है, सरगी आनी चाहिए। सरगी मतलब खाने, खाने की चीज। ये दिया है, ये मैं फाड़ने की कोशिश कर रही तो अभी तो नहीं फाड़ूंगी, इसको फाड़ दूंगी मैं। इसको खा भी सकते हैं ना अभी, मिठाई नहीं होगी इसमें, मट्टी वगैरह होगी शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। अरे वाह, सोहन पापड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज किसने ब्लॉग में। यू वॉचिंग प्रियंका आर्य। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। तो ये अभी नहीं खाना ना, अभी मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। मुझे नहीं पसंद सोहन पापड़ी। मुझे भी। I want to try. पर नहीं, उसी दिन खोलेंगे, ये सब मेरे लिए है, सॉरी। इट्स फॉर मी। नहीं मैं ये ललचा के भाग रही है। तू ड्राई फ्रूट्स की जगह ये खा। वो है नॉस्टैल्जिया, याद है बचपन में खाते थे हम लोग, बहुत टेस्टी होते भाई। ये कुरकुरे और इन सबसे तो बहुत, एयर फ्राइड। किसने बोला कि एयर फ्राइड होते हैं? तो गाइस आज हम बना रहे हैं, मतलब ये है पहाड़ी डिश, पहाड़ी जो सब्जी है ना ये, इसको क्या बोलते सागर? मीठे करेले। मीठे करेले बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं ये, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो इनको हम क्या करेंगे, पहले धो लेंगे इनको, बीच से तोड़ेंगे और काट लेंगे। जैसे ये तो मुलायम है, इधर दिखाना पास। जैसे ये वाले बीज तो मुलायम है, इनको निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे ऐसे काले बीज होंगे ना इसके अंदर, तो ये निकाल लेंगे हम, इनको तो हम ऐसे ही काट सकते हैं। और नॉर्मल प्याज और टमाटर के साथ बनाओ, और चावल के साथ खाओ और रोटी के साथ खाओ, इतने टेस्टी लगते हैं। कालू प्याज ये खाएंगे। तो ये ऐसी दिखती है सब्जी, टेस्टी। इस मीनू को मैं कह रहा हूँ कि मेरे से बड़ा पत्नी व्रता पति कोई होगा नहीं दुनिया में। बहुत लोग हैं। ठीक है, भाई आज हमारा दिल्ली में था पहला दिन। आईफोन में बहुत काले काले से आ रहे हैं, इतना तो लग नहीं रहा जितना इसमें आ रहा है अभी भी। हाँ जैसे टैनिंग हो गई होगी। ऐसा तो लग यार, ये आईफोन ना मेरे को दिखा रहा है थोड़ा सा टैंड, पर इतना है नहीं, इतना रियल में मैं हूँ नहीं जितना टैनिंग इसमें नजर आ रही है। आकर मुझे कल, मतलब कल जैसी मैं पहुंचा रात को, अगले दिन मैं पूरा दिन सोया, कैसे सोया हुआ ना मैं, स्विच ऑफ हो गया था मैं। सुबह भी और दिन में भी भाई, कौन सा होता है इतने टाइम सुबह कैसे नाश्ता करके फिर दिन में खाना खा के और रात को भी जल्दी सो गया। आज जो है हम ऐसे ही आराम से बैठे हुए थे दिल्ली में और हमारे साथ एक ब्लंडर हो गया। भैया जो हमारा फ्लैट है ना, बहुत ही क्यूट, इतना क्यूट भी नहीं है, कह रही इतना क्यूट नहीं है, उसे गुस्सा आ गया। अब मीनू को गुस्सा आ चुका है, पर अच्छा फ्लैट है, बढ़िया था ये, फैसिलिटीज अच्छी मिल रही थी हमको। पर हमारा रेंट जो था ना, उसका इन्होंने दो बार बढ़ा दिया। हमको यहाँ रहते हुए 6 महीने हो रहे हैं, 8-9 महीने हो गए, मतलब साल भी नहीं हुआ ना अभी। तो जब हम लोग यहाँ आए, इन्होंने हमारा रेंट जो भी था उसका 10% बढ़ा दिया, अब इन्होंने उसका 20% और बढ़ा दिया। और बोल क्या रहे, महंगाई बढ़ रही है ना। ये ऐसी मजाक मजाक में रेंट बढ़ा दे रहे हैं,
किसी दिन नॉक करते हैं, हम तो नॉकिंग से हमको डर लगने लगा है कि किसी दिन ये नॉक करते हैं तो रेंट बढ़ जाता है। तो हम मतलब रेंट हम बेयर कर सकते हैं पर चीटिंग बेयर नहीं कर सकते ना हम। अब दिल्ली जैसे शहर में हम पुलिस के पास भी कहां जाएं? गाइस तुमको कोई उपभोक्ता रूल पता है कि उपभोक्ता का उल्लंघन जो भी मतलब ना तो बताना हमको कमेंट में लिख के। मतलब ये लीगल है, ये लीगल है इस तरीके से रेंट बढ़ा देना कभी भी। अब जनवरी आएगा बोलेंगे अब तो नया साल आ गया अब तो बढ़ाएंगे। उल्टा उन लोग को हमें देना चाहिए कि भाई बालकनी साफ हो रही है रोज। वही तो मर गया मैं अब बालकनी साफ कर कर के ऐसी हंस के उड़ा दिया ना उनके बदबू चीवे है। अरे अरे यहाँ पर एक नेट था बाहर तो कबूतर अंदर नहीं आते तो वो नेट हटा दिया उन्होंने। अब कबूतर अंदर आ जाते हैं और बिल्कुल खुशबूदार अचार छोड़ के जाते हैं वहाँ पर। कैसा होता है सागर को? सागर ही करता है आजकल तो साफ। डेली कर रहा हूँ मैं, डेली क्लीन कर देता सागर। एक बार याद है तूने एसी करी थी साफ तेरे नाक के अंदर बैठ गई थी वो। हाँ तीन दिन नहीं गई थी। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आई थिंक वी नीड टू चेक फॉर अदर रूम्स और फ्लैट्स। जे ढूंढने का मान ले फ्लैट। कौन जे? अब आप पे जिम्मेवारी, आप पे। वो पता क्या बोल रहे हैं? क्या अब आप पे ही है, अब आप ही ढूंढोगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये भी आपने किया है। क्या पता इससे अच्छा फ्लैट ढूंढना, क्या पता इससे अच्छा फ्लैट, क्या पता इससे बढ़िया ढूंढने। भाई ढूंढना पड़ेगा आपको, आपको हमारी कसम है। ये देख लो ब्लैकमेल कर रही है भगवान को। भगवान नहीं हो मेरे बच्चे, छोटे बच्चे। मैं जब आ रहा था ना कोटद्वार से यहाँ, मैंने मीनू को कह दिया था मुझे कुछ कुछ खाना है, कुछ कुछ दही बड़े। कानू जी को भी हमने दही बड़े लगा दिए। अभी 4-5 बजे से पहले जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं, ये आज की इन्फॉर्मेशन है, मेरी माँ का फोन आ गया। हेलो। हाँ माँ, जो तुम मेरे को बताने वाली हो वही सब कर रहे हैं हम, रुक जाओ। हाँ पर अगर आप प्रभु को भोग लगाते हो जरूरी सूचना ये है कि 4-5 बजे के बाद भोग मत लगाइए। और इनको हमने अभी जल्दी जल्दी भोग लगा दिया, इनके आसन पे बैठाएंगे और मंदिर में रख देंगे और ढक देंगे मंदिर को, क्योंकि आज पूजा पाठ कुछ नहीं होना है। अगर आप ये व्लॉग देखने के बाद शाम को पूजा पाठ करने वाले हो रोक दो। और आज है चंद्र ग्रहण शाम को। आभा जो है, आभा मेरी मौसी की लड़की, उन्होंने सारा ज्ञान मुझे भर दिया मेरे दिमाग में। उन्होंने बोला आज के दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, शाम को भगवान के ना दर्शन होंगे ना पूजा पाठ होगी, ये कपाट जो है बंद रहेंगे। इस व्लॉग को आपने अभी अभी देख लिया है तो कल देख रहे हो तो कोई बात नहीं, पर आज देख लिया अगर मंदिर मंदिर ढक सकते हो। थैंक यू सो मच। सच में ही मतलब मुंह बंद कराने वाली डिश है। मैं जब से ही खा रहा था मैं कुछ बोल नहीं रहा था। खाना खाया कि नहीं खाया? जल्दीबाजी में बेचारे आधा ही खा पाए होंगे। मैं पानी कुछ नहीं। बाय। अरे खाना भी नहीं खिलाया। और दूध और दही होगी ना घर पे, सफेद चीज, उसको उसमें तुलसी का पत्ता डाल देना। तो गाइस यही इन्फॉर्मेशन हमको सबको देनी थी आज, मैंने भी अपने घर पे सबको बता दिया जिनको पता नहीं था। तो अब हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फॉलो करें। चिची इसको जब भी बोला ना व्लॉग एंड करने के लिए ये ऐसी करती। कान्हा जी को हमने ढक दिया है, जब हम कान्हा जी को रख रहे थे तो चुप मेरी तो रोने लग गई कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया, मैंने खा लिया उन्होंने खाना, कह रही 5 मिनट में क्या खिलाना था। हमको भी आभा से अचानक से इन्फो मालूम पड़ा तो हमने जल्दी जल्दी किया, फिर उनको जल्दी से भोग भी लगाया और जल्दी से सुना जल्दी से सुलाया भी। इस ब्लॉग को फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है मैं जल्दी डाल रहा हूँ उसको एडिट करके अभी डाल रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आया ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को क्रिएटर को सपोर्ट करके ज्वाइन का बटन दबाना जरूर। ज्वाइन करके देखिए चैनल को, अलग ही मजे हैं उसके। थैंक्स थैंक्स का बटन दबाइए, ज्वाइन का बटन दबाइए, करके देखिए अच्छा लगता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बस मुझे यही काम अच्छा आता है क्योंकि यार रोज ब्लॉग्स आ रहे हैं।